मालक नाता सानू कदों बुलावेगा, ए मन मोने मालक नाता सानू कदों बुलावेगा, तेरा शाह तलाइया डेरा बाबा कदों बुलावेगा, तेरा शाह तलाइया डेरा बाबा कदों बुलावेगा, ए मन मोने सानू कदों बुलावेगा, मन मोने बालक नाता सानू कदों बुलावेगा, तेरा शाह तलाइया डेरा बाबा कदों बुलावेगा, तेरा शाह तलाइया डेरा बाबा कदों बुलावेगा। चिमटा बनाया बाबा तेरे नाम दा, एक चिमटा बनाया बाबा तेरे नाम दा, ओ भी तूने विच लाया बाबा तेरे नाम दा, ओ भी तूने विच लाया बाबा तेरे नाम दा, एक चिमटा बनाया बाबा तेरे नाम दा, ओ भी तूने विच लाया बाबा मन मोने बालक नाता सानू कदों बुलावेगा, बे मन मोने बालक नाता सानू कदों बुलावेगा, तेरा शाह तलाइया डेरा बाबा कदों बुलावेगा, तेरा शाह तलाइया डेरा बाबा कदों बाबा तेरे नाम दी, एक चोली बनाई बाबा तेरे नाम दी, ओ भी मोटे लमकाई बाबा तेरे नाम दी, बे मन मोने बे मन मोने मालक नाता सानू कदों बुलावेगा, बे मन मोने मालक नाता सानू कदों बुलावेगा, तलाइया डेरा बाबा कदों बुलावेगा, तेरा शाह तलाइया डेरा बाबा कदों बुलावेगा। पाई बाबा तेरे नाम दी, एक सिंगी बनाई बाबा तेरे नाम दी, ओ भी गल विच पाई बाबा तेरे नाम दी, बे मन मोने बे मन मोने बालक नाता सानू कदों बुलावेगा, बे मन मोने बालक नाता सानू कदों बुलावेगा, रोट बनाया बाबा तेरे नाम दा, एक रोट
सेना की कमान किसके हाथ में? हाँ महाराज, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, नन्हे जंग में मेघनाथ ही इस कमान को संभालेंगे। क्या वो बहुत शक्तिशाली है? हाँ महाराज, चलाकी और मक्कारी में उसका कोई सानी नहीं है। सेना की मोर्चाबंदी इस कदर की करता है, अगर शत्रु का 1000 योद्धा मरे तो उसका 1 मरता है। तो आज मैं स्वयं सेना की कमान को संभालूंगा और उसकी मोर्चाबंदी को ध्वस्त कर लूंगा। भ्राता जी, आप अभी विश्राम कीजिए और मेघनाथ के मुकाबले मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं भाई, आज युद्ध का पहला दिन है और आज के युद्ध पर ही हार जीत का परिणाम है। दूसरे शत्रु फरेब का युद्ध करता है, इसलिए मुझे तुम्हें भेजने से इनकार है। महाराज, अगर लक्ष्मण जी स्वयं युद्ध में जाने के लिए तैयार है तो फिर आप क्यों चिंता करते हैं? हम भी तो उनके साथ में होंगे। ठीक है, यदि तुम सबकी यही राय है तो मुझे कब इनकार है। लेकिन हनुमान जी, आप इन साथ साथ रहना, क्योंकि मेघनाथ बड़ा मक्कार है, फरेब का युद्ध करता है। जब मेरे साथ आपका आशीर्वाद है तो मेघनाथ की क्या मजाल है जो मेरे सामने टिक सके। जरा देखना मैं उसकी कैसे मोर्चा बंदी बंद करता हूँ। आशीर्वाद बली, राम जी की सेना चली।
कल बचकर फूक गया, क्योंकि ऐन वक्त पर सूरज डूब गया। शाहजा, तेरे जैसे बहादुर मैंने बहुत देखे हैं, जो गलते हैं वो बसेंगे क्या? अरे फटकार, अगर अपनी ख्यालियत चाहता है तो सामने से फरार हो जा, तो संभल। ये देखने में तो अलग दिखाई देता है, परंतु लड़ना बड़ा बहादुर है। इसने तो मेरे सारे अस्त्र शस्त्र बेकार कर दिए, और मैं अब इस पे शक्तिमान ना चलाऊं तो इसके हाथों अवश्य मारा जाऊंगा। बहुत जी चुके, अधिक काफे से बाहर ना निकलो। ये बहुत शक्ति है जो छूटते ही दुश्मन के कलेजे में जा लगती है। अब तक मैं खेल खिलाता था, अब खाने की पारी है। इस शक्तिमान की सूरत में आप पहुंची मौत तुम्हारी है। इसका मारा बचता नहीं, दिन निकल कर प्राण गवाता है। प्रतिहतन मृत्यु तुल्य हो जाता है। इसीलिए समाज रघुवंशी तू आज न बचने पाएगा। ये इंद्रजीत इस दुनिया में लखनजीत कहलाएगा। डर है ब्रह्मास के कारण,
एक क्षत्रिय हारा जाता है, फिर चमकेगा चंद्र घड़ियों को, अब चंद्र ग्रहण में आता है। प्यारे भाई, मुंह से बोलो, जरा लब खोलो, इस मुसीबत के वक्त ये कैसी बेवफाई, जिस भाव से डरता था चुप करो सभी, वही आगे आई। अब तो बहुत सो चुके,
तुम्हारा तो जिस्म भी ठंडा हो रहा। ऐ प्यारे भाई दे चले जुदाई, मेरी आंखों के तारे मेरी जिंदगी के सहारे, रोते रोते मेरे आंसुओं का भी खाता हो गया, पर ना जाने तेरा क्यों कठोर आत्मा हो गया। धरो दीवार मेरी हालत दार पर रो रही है, मगर जिनके लिए मैं रो रहा हूं वो गहरी नींद सो रहे हैं। ना करवट लेते हैं ना किसी बात का जवाब देते हैं, मेरे लिए तुझे किस जालिम की नजर खा गई जो ऐसी ढाई घड़ी की नींद आ गई। भगवान जरा सबर कीजिए, रोने को कौन नहीं रो सकता, मगर इस तरह लक्ष्मण अच्छे तो नहीं हो सकते। हमें इनके इलाज के लिए कुछ करना चाहिए। किसका इलाज, कैसी दवाई, लक्ष्मण ने तो अभी तक आंख भी नहीं उठाई। ओ जालिम मेघनाथ तेरा वार चल गया और तू लक्ष्मण को मार कर जिंदा निकल गया। अरे रावण अब तो तेरे घी के चिराग जल गए और मौत के फरिश्ते तेरे सर से टल गए। मेरी बदकिस्मती तेरी बाजी चढ़ा गई और लक्ष्मण की अचानक मौत तेरी जिंदगी के दिन बढ़ा गई। और प्यारी सीते अब तुम रिहाई की उम्मीद ना करना और रावण की कैद में अपनी जिंदगी के दिन दिलेरी से बिताना। वीरा कुज बोल मुखो खोल जुबान वे, वीरा कुज बोल मुखो खोल जुबान वे, मेरी परदेस विच रोली न जान वे। जिदा दम दम रुकदा सा होवे, उस बेड़ी ने पार की लंगड़ाए, जिस बेड़ी दा मोया पला होवे। मैं तेनो की कहंदे गोपाल तू सबर कर ला, दसो सबर की मैनू सुआ होवे, मेरे दुख नू जाने ओ दुखिया, जिदा मर गया सका परा। सानू दोहा वीरिया नू कठिया ले जावना, कठिया ले जावना, एक चेता रख सानू
सतरम तीनों कहे जाके कोई नीर या हुन तैनू छुड़ाउन जोगा ऐसी होनी ने लाई अब मैनू नहीं कोई रिया हुन जग ते बुझाउन जोगा मैं ते किया गोपाल मैनू मौत दे दे मैं नीर या हुन मुख नू दिखाउन जोगा पर होनी ने प्या तू रो जिंदा लैन वीरे दी लोट ते कौन जोगा सीता नू छुड़ाउन पीछे वीरा भर साइलेंट हो जाओ। आपको पता सीन क्या चल रहा है? बड़े खुश हो रहे हो, क्या हो गया? संस्कृति हमारी, ध्यान दो। मैं आपकी मेहरबानियों का अज हद मशकूर हूँ, मगर अपनी बदकिस्मती से मजबूर हूँ। जाओ जाकर अपना राजकाज संभालो और अंगद को मेरे पास बुला लो। बेटा तुम अपने चचा के साथ अपनी राजधानी को जाओ और राज संबंधी कामों में इनका हाथ बटाओ। जिस तरह तुम्हारे चचा कहें उनका हुक्म मानना और इनकी आज्ञा का पालन करना और अपना कर्तव्य निभाना। महाराज सर माथे पर, परंतु सेवक ऐसी हालत में आपको छोड़कर जाने में लाचार है और सेवा के लिए हुक्म का तलबदार है। प्यारे भूषण जी, जो कॉल मैंने आपसे किया था, ये रंगदंता का राज्य दिलाने का वादा किया था, उसे पूरा करने से अब लाचार हूं और माफी का हकदार। आप लोगों की हमदर्दी का जो मुझ पर एहसान है उसका शुक्रिया अदा करने के लिए ना मुंह में जुबान है ना अल्फाज है। महाराज आप मुझे खाक का चंदा कर रहे हैं, पड़े राज हाड़ में जाए लंका। अगर लक्ष्मण जी सेहत याब हो जाते हैं तो एक लंका क्या उनके सिर से हजार लंका निशावर। अगर जरूरत समझो तो मैं अपने आप को इनकी जगह बलिदान करने को तैयार। ये कौन खड़ा है? हनुमान कहा कृपा निधान, बेशक मैं गलती खा गया और लक्ष्मण जी को बर्छी लगी। भाई तुम क्यों रोते हो? परमात्मा की इच्छा पूरी हुई, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? मेरी तकदीर ही टूट गई,
हाय अफसोस, मेरा रोना चिल्लाना सब फिजूल गया। भाई तू मुझको बिल्कुल ही भूल गया। परमेश्वर के वास्ते अपनी जुबान हिला और मुझे एक बार भाई कहकर बुला। लक्ष्मण प्यारे लक्ष्मण, ये आलमे बेहोशी है या दाहिने खामोशी? भगवान, मेरा आपसे कुछ अर्ज करना छोटा मुंह और बड़ी बात है। ये काम तो हमारे जसों का था जो आप कर रहे हैं, मगर हम सबर किए बैठे हैं और आप आहे भर रहे हैं। अगर हम रोकते तो ये होता कि आप हमारे आंसू पहुंचते। अब आपके आंसू पहुंचने के लिए हम किसको बुलाएं? बेटा अमर, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, मगर क्या करूं, मेरी तबीयत मेरे अख्तियार में नहीं। इस मुसीबत ने मेरी तबीयत को बिल्कुल हिला दिया है और लक्ष्मण की मौत ने मेरा सारा हौसला खाक में मिला दिया। आए मेरे प्यारे, मेरी जिंदगी के सहारे तुम मुझे छोड़कर किधर को पढ़ा रहे? तुझे मेरी हालत पर रहम ना आया। ऐसा गजब और इस बेरुखी का सबब, अरे तू इम्तिहान भी लेता है तो इतना सख्त। जाओ, जब तुम वक्त पर काम नहीं आए तो कौन लाचार है तुम्हारा बोझ अपने कंधे पर उठाए फिरे? नहीं नहीं, अभी नहीं। ओ दगाबाज मेघनाथ, मैं तेरा अच्छी तरह विमान तोड़ूंगा और भाई का बदला तुझसे लेकर रहूंगा। बस ये समझ ले कि कल युद्ध के मैदान में तेरा सिर होगा और मेरी तलवार होगी। महाराज, जरा तबीयत को संभालिए और ऐसे ख्याल दिल से निकालिए। जो भी युद्ध में जाता है वे अपना सिर हाथ में लेके जाता है। हाँ भाई, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो दूसरों के दुख को अपने दुख जैसा समझता। कल तुम ही बाली की लाश पर बावजूद अपनी जाति दुश्मनी के ढाए मार मार कर रो रहे थे। यहां तक भी कि तुमने खुदकुशी करने की भी कोशिश की। वो समय तुझे याद नहीं रहा। हाय, लक्ष्मण जैसा भाई इस रूहे जमीन पर चिराग लेकर भी ढूंढने से नहीं मिलता। लक्ष्मण, कोई कहता है दीवाना, कोई कहता है सौदाई, मैं सबसे यही कहता हूं बिल्कुल ठीक है भाई। महाराज, लंका में एक प्रसिद्ध वैद्य रहता है, आप किसी को भेजकर उसे बुलाइए और लक्ष्मण जी की तबीयत दिखाइए। हनुमान जी, इस समय और कौन जाएगा? मेरे बहादुर जनरल, मेरी और लक्ष्मण की जिंदगी का अब तुम्हें पर दारोमदार है। जो आज्ञा भगवान। जय श्री राम।
वैद्य जी अभी तक नहीं आए। महाराज, वैद्य जी को बुलाने के लिए हनुमान जी को भेजा है। ये कभी नहीं हो सकता कि वो कामयाब होकर ना आए। लो, वैद्य जी को लेकर हनुमान जी आ रहे हैं। वैद्य जी, मुझे यहाँ कौन उठा लाया? वैद्य जी, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं और प्रभु श्री राम जी के चरणों में हैं। महाराज, आप घबराए नहीं, यहाँ किसी को पराया ना जाने, मुझे पहचानिए। विभीषण जी, आप शुक्र है, अगर आप ना होते मेरी तो जान निकल गई थी। आइए लक्ष्मण जी की नबज टोल कर देखिए। बड़े गहरे जख्म हैं, मरीज के होठों पर जान है, रात भर का मेहमान है, जहां करता हुआ मौत का कटका हुआ। अगर कोई रातों रात द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लेके आए तो मरीज अच्छा हो जाए। मगर इस आधी रात के वक्त कौन द्रोणागिरी पर्वत पर जाएगा और बूटी लाएगा? अरे अफसोस, मेरे बहादुर जर्नैल, अब किस बात का इंतजार है? अरे मेरी और लक्ष्मण की जिंदगी का अब तुम्हें पर दारमदार है। आप चिंता मत कीजिए भगवान, मैं अभी जाता हूँ। आकाश में हो, पाताल में हो, लाए दास उसे चाहे गए हो, ब्रह्मा के घर में जय श्री राम। लक्ष्मण सुनो श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी, कहत सुनत आवे कियों में पानी। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चलना चाहिए। हमें
महात्मा जी आइए आइए हनुमान जी आइए बैठिए आइए आइए। महात्मा जी मैं सुन रहा था कि आप राम कहानी गा रहे हैं। मैं राम मैं आपको बताऊं ये जो आजकल राम और रावण का युद्ध चल रहा है इस युद्ध में राम की अवश्य जीत होगी और रावण की हार होगी। मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को बाण मारा है और आप खिलाने जा रहे हैं चलिए रखिए बैठे पहले लक्ष्मण जी ठीक हो जाएंगे आप भगवान का कार्य किए बगैर दास को विश्राम कैसे हो सकता है। मगर आप ये तो बताइए कि आपने मुझे यूं कर जान लिया और सब हाल कैसे जान लिया। हनुमान जी मैं ये युद्ध अपने ज्ञान दृष्टि से यहाँ बैठा बैठा ही सब देख रहा हूँ। धन्य हो महाराज धन्य हो मुझे प्यास बहुत लगी है अगर जल हो तो पिला दीजिए। बहुत पहुंचे हुए बाबे हैं आपने जल की बात आपको व्यर्थ नहीं है और ठंडा मीठा जल महात्मा जी मैं जल पी कर आता हूँ। रावण का भेजा हुआ काल में राम का राजदूत है आपको सब आप इनको निकालने चाहिए और अपना काम करके जल का बताइए। वो राम दूध से ही खाता है उसको अभी करने का मजा चलाता हूँ। आप यहाँ बैठो मैं अब आपको महात्मा जी गुरु मंत्र बाद में दीजिएगा पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए। हम गुरु दक्षिणा लेते नहीं अब क्या कर रहे हो तमाम बाग और पहाड़ को खींच लिया देख लिया सारे पौधों को उलट उलट कर दिया। जो निशानी वैद्य जी ने बतलाई वह बूटी अभी तक नजर ना आई। क्या करूं और क्या ना करूं कौन सी बूटी ले जाऊं हैरान हूं कि क्या करूं और क्या ना करूं। इधर वक्त की कमी का ख्याल उधर बूटी का मिलना मुहाल। ऐसा ना हो कि ये कोई और ही पर्वत हो। नहीं नहीं पर्वत तो यही है तो क्या इस पर संजीवनी बूटी नहीं रही। आधी रात से ज्यादा हो गई कोशिश कर कामयाबी तेरे हाथ में है। ये सामने वाले जो टीले हैं इन पर निशान कुछ पीले पीले हैं शायद अमृत संजीवनी का ही प्रताप हो।
Thank you.
श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।
धन्य हो केसरी नंदन, तुम धन्य हो। महाराज बूटी लेकर जल्दी इलाज कीजिए। Thank you.
खाने वाले को बुलाओ। ये भाई साहब I'm not afraid to die.
भाई, मगर आप उस वक्त कहां? तुम्हारे पास आया हो, मैंने तुम्हें जगाया है। मुझे जगाने का कारण राम और सुग्रीव से हमारा युद्ध चल रहा है और उसमें जो भी जोड़ा गया वापस नहीं लौटा, मगर इस लड़ाई का कारण पंचवटी में रहते हुए राम और लक्ष्मण ने शूर्पनखा का नाग को कान उड़ा दिया, मैं भी उनकी स्त्री सीता को हर लाया। क्यों गई वहां शूर्पनखा? क्या काम था वहां जाने का? कोई तो कारण होगा ही लड़कों से नाक कटवाने का। इन बेमतलब के झगड़ों से लंका की सत्यानाशी है भाई, ये ठीक समझ लेना। अब अपनी पूरन मासी है, अगर भारतभूषण ऊंच नीच समझते, बिना सोचे समझे नाम लेते तो क्यों मारे जाते? आप भी अपने हाथ पांव पर ना भूले, सीता जी को हर लाने का क्या काम था? इसका यही अंजाम था। प्राई स्त्री को बुरी नजर से देखना पाप होता है, इससे सारे का सारा खानदान तबाह होता है। आपने अपने माथे पर कलंक लगाया है, अच्छा किया, मगर मुझको नहक जगाया है। इससे अच्छा पड़ा मैं सोता रहता और लंका में जो होना था वो होता रहता। तुम्हारा नशा भी अधूरा मालूम होता। एक जवान लो जिए भाई साहब, आंखों में जरूर आ गया। अभी तो पी कितनी है, सुबह तक कितनी नहीं हुई होगी, ये लो और पियो। आप नहीं अब हयात है इंसान, ये शराब जोहर से तोल ले, लाल एक एक बूंद की कीमत से मोल ले। साहब मैं बहुत खुश हुआ ये शराब आपको पसंद आई, मगर ये तो बताओ राम लक्ष्मण के नाम से क्यों छुपो, मेरे बारे में क्या ख्याल है? मेरी राय में अभी कुछ नहीं बिगड़ा, सीता जी को बेचकर मेल कर लीजिए। सांप मरे ना लाठी टूटे, मुसीबतों से सारी लंका छूटे। अफसोस मुझे यह उम्मीद न थी मेरे भाई ऐसे तहफाज निकलेंगे। मैं तो एक बप्पी शंकर रोता था, मगर यहाँ तो आवे का अब उल्टा पड़ा है, जिसको देखो हाथ पर कान पर हाथ रखे बैठा है। और नहीं तो भाइयों की वफादारी का इम्तिहान हो गया। अगर तुम्हारा यह ख्याल है कि मैं इससे डरता हूँ, इसलिए तुम्हारी बार बार खुशामद करता हूँ, तुम्हारी भूल है। बहुत अच्छा, तकलीफ माफ कीजिए, मुझे इजाजत दीजिए, जिस तरह से होगा निपट लूंगा, मगर आपको तकलीफ नहीं दूंगा। मगर यह तो कहो
की सारी इज्जत आबरू खो चुकी, अपने की सूरत क्या, मिलाप की जरूरत क्या। तो ऐसा ही सही, सर पर राम पड़ी तो और पड़ी, मुसीबत काम हो जा करी, जेल जरूरी जान पर खेल जरूरी, मैं तलवार को पत्थर चटाऊंगा, आपको हाथ पटाऊंगा, गुस्से में जुबान की को दांतों से चबा लूं, तलवार का फल सामने तो खा लूं, तलवार पर मुझसे कभी मर नहीं सकती, किस्मत कितनी हो बली लड़ नहीं सकती, सरकस से जो पारो तो जुबान तीर की खींचू, मुझसे जो खींचे तो खाल शमशीर की खींचू, सीधा करूं कोर्ट को जो के दीन नजर हो, सब जो उठे वही गुदी में सर हो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद थी, तुम्हारे सामने होने की देर है, सब पाकते हुए दिखाई देंगे। कुंभकर्ण, तू बातों का तुम्हार नहीं शोभा देता,
रण में बातें करने वाला कायर और डरपोक कहलाता है। लंका में अगर वीर हो तुम तो ममता छोड़ो प्राणों की, देखो तुम पर होती है वर्षा बाणों की।
संग्राम के छिड़ जाने से लाचार हूं। प्रेम पत्नी का इधर है, पितृ भक्ति है उधर, फंस रहा हूं बीच में, बोलो प्रिय जाऊं किधर। जिस तरफ पितृ भक्ति बुला रही है, परंतु इधर का ध्यान भी होना चाहिए। मातृभक्ति, पितृ भक्ति, देशभक्ति प्रसन्नता से कीजिए, परंतु एक क्षण के लिए अपने भक्त की सुध भी तो लीजिए। फल है केवल प्रभु दर्शन, मेरे पूजा जाप का, मुझको तो सारे जगत में सहारा है प्रभु आपका। तन हमारा ही सही, लेकिन तुम इसमें जान हो, भक्त हूँ मैं आपकी और तुम मेरे भगवान हो। अच्छा तो क्या चाहती हो? शीघ्र ही यदि आपका दर्शन जो मिल जाया करे, तो ये मुरझाया कमल इस दिल का खिल जाया करे। लाज मेरे हाथ में, वंशजों के मान की, प्रदान कर दो आज्ञा मुझे प्रस्थान की। तो क्या आप जाना चाहते हैं? स्नेह क्षेत्र को छोड़ के रण क्षेत्र में जाना चाहते हैं? कदापि मैं वादा नहीं देती प्रभु के इस काम में, किंतु प्रभु जाने ना दूंगी आज तुम्हें संग्राम में। अब शगुन बहुत हो रहे, कल से ये सच जानिए, आज रण में ना जाइए, ये बात मेरी मानिए। क्या कहा? सेनापति हूँ, युद्ध में जाऊ नहीं, वीर होकर युद्ध में तलवार चमकाऊ नहीं, नहीं नहीं मैं घर में छिपूंगा, चेष्टा सब बेकार है। वीर हो रण से डरे, उस वीर को धिक्कार है। तो क्या आप नहीं मानोगे? कहो, सृष्टि में कीमत इसकी है, इस जान की या मान की? निर्लज जीवन चाहती हो या जिंदगी शान की? शान की। तो फिर मुझे जाने दो, शत्रुओं के रक्त रंगों से होली मनाने दो, पशुओं की तरह उनके सर काट काट कर रणचंडी को चलाने दो। सलोचने, प्रेम में पागल ना हो, मुझे कायर ना बनाओ। वीर की पुत्री, वीर की नारी होकर कायरता दिखाती हो। सब कुछ समझती हूँ नाथ, पर क्या करूं, मोह से लाचार हूँ। और मैं भी बेबस कर्तव्य के लिए तैयार हूँ। Yeah!
समाज को, धर्म के प्रकाश को, धर्म के प्रकाश को एक से एक बोली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। हाथ का ए तेरे यहाँ दांत के मौका है दांत का, कब्जा का तेरे हाथ में डालूंगा कभी, सर काट के जो मैं लाऊं मैं लेग लात का बात खबरदार। इधर आ और अपने कर्तव्य दिखा। अरे लड़के, तुझे फिर लड़ाई का हौसला हुआ, कल तुम मुझसे तीरे निशाना एक कदा हुआ, हट जा गरुड़ के आगे से, बाइक को लेकर सरहद रोका से भाग जा। बेफायदा गरुड़ है कुछ बदन हाथ का, अगर वीर है तो चोक मेरे सर के बार को। साथ साथ है तेरे, साथ साथ है रघुनाथ है तेरे, साथ साथ है एक से एक श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। Ha 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 ha!
जाके जिसका मंत्र वयम शाम का मंत्र वयम शाम का समय आप आ गई तेरी नहीं करता है तू जान को नाता का भूल गया मेरे शक्ति बान को आ मेरा सामना कर शेष नाथ का अवतार सही और इस समय मैं तेरा काल हूँ होशियार हो मेरे तेज अस्त्र से चलाएगा खून का दरिया बहेगा युद्ध स्थान में
तू दबा कर पूछ भागेगा सरे मैदान में। नया खबर तुमको पहला सिपाही के सामने मैदान बाल और सिपाही के सामने पैदा किए हैं खुद ही असार मौत के, या दोष किसी का खुद को फ्री और मौत के। पतंगा भी चला है आज वादे फरफर के बजाने को, चली है वादे फर पर अपना जोर आजमाने को। मसल डाल दूंगा तुमको चुटकियों में जान कर तुमको, अभी जब बाण मारूंगा धनुष से तान कर तुझको। कीर्तन मेरी किसी के सामने मानी हुई, आज सब दुनिया में ताक है मेरी मानी हुई। शोर में तन कष्ट में मर्तबा में आप ही आज खुद ही मिसाल हूँ सारे जहां में। हमने लड़ने का कभी मैदान क्या देखा नहीं, अपनी आंखों से कभी घमसान क्या देखा नहीं। हमको भी लड़ने के सारे तरीके याद हैं, हम भी क्षत्रिय हैं योद्धाओं की औलाद हैं। जहां की अमान चाहते हो तो कर भी रह लो, वरना देख लो जो खून से प्यासी बर्चियां सब पीना चाहती है। आपदा तलवारे संग्राम रूपी बादल के सीने में कड़कना चाहती है। और अहंकारी दुराचारी ना अभिमान नया, अगर वीर है तो मेरे साथ मैदान में आ। महाराज हो मैं हूं भिखारी, निर्दोष से नाहक लड़ाई है तुम्हारी। दिल को साफ करो, करीने को दिल से मिटा दो, अगर जान बचाना है तो जानकी को लौटा दो। और आप समझ लो कि सर में ओझल आई जंजीरे कर जात मयान से हार निकल है आई। सब झुकते हैं जिस पर वो कदम आते हैं, देखो रघुवंश के मैदान में अलम आते हैं देखो। लंकेश खबरदार, हम आते हैं देखो। लंकेश बता तुझे मैं किस शान से मारूं, ठुकराऊं, जख्मी करूं,
या जान से मारू, तलवार मचलती है कि सिर काट लूं तेरा, कहती है कमायू नहीं बाण से मारू। भगवान भगवान आप इनसे युद्ध करना बेकार है, क्योंकि इसकी नाभि में अमृत समाया हुआ है। आप इसकी नाभि में तीर मारिए, तभी इसका संहार होगा। लंकेश जी आपको याद करना,
लंकेश, लंकेश महाराज आपके सामने है, आपको कुछ राजनीति की शिक्षा दी दी है। लक्ष्मण देखो जरा गौर से देखो, रामचंद्र जी में और तुम में बस इतना ही अंतर है। भगवान राम 16 कला संपूर्ण होते हुए भी सारे वैर पाप को मन से निकाल कर कहां खड़े हैं, और तुम अभी तक ऐसे व्यक्ति के लिए वैर पाप दिल से नहीं निकाल सके जब कुछ ही जनों में इस संसार से त्याग करने वाला है, उस पर सर पे खड़े हो और वो भी राजनीति की बातें जानने के लिए। लक्ष्मण नीति का उल्लंघन करके राजनीति का उपदेश कैसे पा सकते हो? गुरु का अनादर करके ज्ञान लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हो? आओ कदमों की तरफ आकर खड़े हो जाओ और प्रार्थना करो। आप तो अंतर्जामी हैं, हर एक दिल की बात जानते हैं। आपको मालूम है कि मैंने केवल अपना ये चोला बदलने के लिए ये वैर भाव को बढ़ाया। मैं जानता था ऐसी मुबारक मौत मिलना दुश्वार है, इसलिए मैंने अपने सारे भाई बंधुओं को आपके हाथ कटवाया ताकि वे भी आवागमन के चक्कर से भाग सके। आज दुनिया वालों, ऐ मालिक दौलत पर तुराने वालों, देखो देखो आज इस रावण को 1 लाख बेटे और 1.25 लाख नातियों में से एक भी आज नहीं, आप देने वाला भी नहीं है। दो हाथ पांव आकाश और पृथ्वी को हला देने वाले दिए वैद्य सुन पड़े हैं, सिर्फ जबान में कुछ सांस बाकी है, वह भी इसलिए कि वैर पाप से इस पर प्रभु राम का राम रहा। ऐ दुनिया वालों, मेरी मौत से कुछ व्रत हासिल कर। लक्ष्मण अच्छा तो सुनो, अगर मैं बड़ों की शिक्षा पर जाता, धर्म कर्म पर रहता, अपने बल पर इतना अभिमान ना करता, शत्रु को छोटा ना समझता, अपने और बेगाने की पहचान करता, सबसे बड़ी बात अपने चाप दूसरों से दूर रहता, और आज लंका का ये हाल ना होता। आज मैं स्वर्ग पर जाने की इच्छा अपने मन में ही लिए जा रहा हूं, हसरत दिल में ही लिए जा रहा हूं, केवल इसलिए कि मैं हमेशा आज का काम कल पर टालता रहा और टालता ही रहा। हालात जहां तक पहुंच गए कि अब तो स्वर्ग को प्राप्त करना तो दूर की बात है, देखना भी मुनासिब नहीं। लक्ष्मण तुम सब बातों से दूर रहो, बचे होगे तो संसार में तुम्हारा साने कोई नहीं। मैंने तो केवल ये चोला मुक्ति के लिए ही ये प्रभु से पैर लिया और मैं अपने मकसद में काम जाब रहा,
आप साक्षात भगवान मेरे सामने खड़े हैं और मैं इस चोले को त्याग, इससे बढ़कर मेरी खुशकिस्मती क्या हो सकती। अच्छा प्रभु, मेरा अंतिम